लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, आफ्टर दैट रेडियस ऑफ जायरेशन, आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड आफ्टर दैट जनरल थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर 1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नंबर 2 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहे होंगे, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तब। ठीक है, ओके, हम डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, कैसी एक क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, डायमेंशन क्या होते हैं, किस टाइप से होता है, बिल्कुल सिंपल वे में हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मीनिंग समझते हैं। इनर्शिया का मीनिंग होता है क्या है? इनर्शिया का मीनिंग होता है इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ए बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन अनलेस या फिर अनटिल एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी बॉडी जब तक मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। तो ये सिंपल सा मीनिंग इसका था। इनर्शिया के अंदर भी हम पढ़ते हैं इनएबिलिटी, इनर्शिया एट रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही सेम केस है, इनर्शिया जहां पर वर्ड आ जाए मीनिंग इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स कोई बॉडी रेस्ट पे है, जैसे हम सो रहे हैं तो मन करता है सो ही रहे, ठीक है, सुबह जब उठते तो मन नहीं करता ना एकदम उसे उठने का, वो इनएबिलिटी ही है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल था वैसे आप लोगों को समझाने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू में आर स्क्वायर, ये भी मैं क्लियर करूंगा। यूनिट क्या होगी इसके लिए? मास के लिए केजी और डिस्टेंस इसलिए मीटर स्क्वायर। और क्वांटिटी कैसे, ये इसकी यूनिट के बारे में बात की, तो क्वांटिटी जो बुक के अंदर स्केलर लिखा हुआ है वैसे टेंसर क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, या फिर आप इसको स्केलर बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मास के लिए एम हम यूज करते हैं और आर के लिए एल के पावर 2, एम वन एल टू, टी इसके अंदर एबसेंट है, टी का कोई काम नहीं, तो टी की जगह हमने 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, ऐसी टाइप से, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात की, जो न्यूटन का लॉ था, इसी टाइप से जो न्यूटन के लॉ है अगर उनको एंगुलर फॉर्म में स्टडी किया जाए, तो वहां पर जो फोर्स एक्सटर्नल, उसको हमने कहा था कि जब तक अप्लाई ना किया जाए, तो रोटेशन में क्या हुआ, जब तक टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर कोई मोशन नहीं होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से है, फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम है इरेगुलर शेप में, हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1, m2, m3, मास इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है m4, m5, m6, क्लियर, अप टू mn, इस टाइप से हमने मान लिया। दिस विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच दिस सिस्टम इज रिवॉल्विंग रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, दिस विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और किस वेलोसिटी से रोटेट करा, दैट विल बी द ओमेगा, ओमेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी हियर, ओमेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पता है थीटा बाय टी होता है, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो डिस्टेंस है m1 के लिए दैट इज r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देख सकते हो 90 डिग्री एंगल, सिमिलर m2, m3, m4 अप टू m5। ठीक है, सभी से हमने r1, फिर m2 के लिए r2 यूज किया, सिंपलिसिटी के लिए m3 के लिए r3, r4, r5, r6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन आप लिखो, वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द पार्टिकल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली, तो उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मैं डिफाइन करता हूं, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
मास ऑफ द पार्टिकल या मासेस ऑफ द पार्टिकल्स टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली। ओके, जो आई जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट का मास एम वन, अब रेडियस उसी की होगी रिस्पेक्ट, उसी के रिस्पेक्ट में एम वन आर वन स्क्वायर परपेंडिकुलर, एम टू आर टू स्क्वायर सिमिलर, एम थ्री अप टू लास्ट में अगर जाए तो एम एन आर एन स्क्वायर। इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं एम आई आर आई स्क्वायर आई वन टू एन। मीनिंग क्या होता है, जब वन पुट करेंगे फर्स्ट आएगा, टू पुट करेंगे सेकंड, थ्री पुट करेंगे तो थर्ड, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला जो रहेगा आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट विल बी एम इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। ध्यान रहे, जो भी एंगुलर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, किसी का भी फॉर्म अगर आपको निकालना, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, पहले तो मीनिंग समझते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन होता है क्या है। ठीक है, कोई भी बॉडी है, कोई भी फॉर्म है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का मास जो है, होल मास, एंटायर मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। उस पॉइंट को हम, जिस पॉइंट से जो डिस्टेंस हो उसी को रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कोई भी बॉडी जो होती है। इसका मतलब ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं होता कि उस बॉडी के इनसाइड ही होता है सर वो पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास पहुंच गया था, कंसंट्रेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं एल शेप की कोई बॉडी ले रहा हूं तो इसके अंदर कहीं वो पॉइंट नहीं है, जबकि वो पॉइंट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, आपको याद रखना, रट्टा नहीं लगाना इन चीजों का। मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी बॉडी जहां पर उस बॉडी का ये सपोज किया जाए कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर रहा है, दैट पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। फॉर एग्जांपल ये कोई सिस्टम है, मास इज एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम फोर एम फाइव, इस टाइप से हमने सपोज किए हुए। सपोज यहाँ वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास जो है सपोज किया गया कंसंट्रेट कर रहा है, होल मास ऑफ द सिस्टम इज supposed to be concentrated। ऐसा माना गया कि पूरी बॉडी का जो मास है इस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने कैपिटल के से लिखा, कैपिटल के से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को। तो ये जो के पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर, इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे, आप सभी को समझ में आया होगा। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, आई इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर अप टू एम एन आर एन स्क्वायर। ठीक है, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ये जो पॉइंट है जहां हमने माना कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर रहा है, एम इंटू के स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी, तो एम इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर अप टू एम एन आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू अंडर द रूट एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर अप टू एम एन आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय में टोटल मास। तो ये के जो रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में था, टोटल मास। तो इस टाइप पे, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या फिर समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां से अंडर रूट लगाकर एम आई आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, या फिर ये वैल्यू थी क्या हमारे पास आई, तो इसको हम आई बाई एम भी लिख सकते हैं। ये सब इसके लिए फॉर्म थी जो बुक्स के अंदर अवेलेबल है। अब मैं एक टर्म और आपको बता रहा हूं इसके रिगार्डिंग, तो वो एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, हमने माना कि पूरा जो सिस्टम, जितने पार्टिकल इसके अंदर, सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सबका मास सेम है, दैट इज एम। तो यहां से m कॉमन आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। ठीक है, क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की n से, n एक पार्टिकल का मास m और नंबर पार्टिकल n है, तो क्या होगा, टोटल जो होगा हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट मास आ जाएगा। ठीक है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई एम इन टू के स्क्वेयर, एम से एम कैंसिल, तो के की जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर द रूट आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस आर थ्री स्क्वेयर अप टू आर एन स्क्वेयर बाई में एन। ये क्या हुआ, रूट मीन स्क्वेयर कुछ ऐसा ही होता था, याद है आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर। स्क्वेयर करना सबसे पहले हर एक टर्म का, रेडियस वेक्टर का स्क्वेयर किया गया, फिर क्या गया मीन किया गया, मीन ऐसे ही करते थे, फिर क्या गया रूट किया गया, तो इसको आर एम एस भी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ बताई रेडियस ऑब्जर्वेशन के बारे में, और बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रोटेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फिर रोटेशन ट्रांसलेशन, एक्चुअली में दोनों ही मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन भी रोटेशन भी। अब अर्थ जब रोटेट करे अपने एक्सिस के अबाउट, साथ में वो आगे भी मूव करे, ठीक है, कंप्लीट पाथ करे अराउंड द सन। वी नो अबाउट दैट जो अर्थ का रोटेशन होता है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो जियोस्टेशन सैटेलाइट होता है उसका रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट होता है, तो हमें लगता है कि स्टेशन भी, लेकिन रियल में स्टेशन ही नहीं है, ऐसा हमें फील हो रहा है, क्योंकि दोनों मूव करें, जब दो बस साथ साथ पैरेलल मूव करेंगे तो अगर साइड वाले बस के पैसेंजर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि रेस्ट पे, ठीक है, तो वो जस्ट एक प्रकार से ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कहां से हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन, तो इसके लिए डायग्राम आप दो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो डायग्राम ये सिंपल सा ये है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, दैट विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कोई सिस्टम है हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम टू एम थ्री एम फोर अप टू एम एन, ये कोई एम एन पार्टिकल हमने यहाँ पर सपोज किए हुए हैं इसके अंदर, क्लियर। एक तो डायग्राम ये परपेंडिकुलर एक्सिस आर वन आर टू आर थ्री इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आर फोर आर फाइव आर एन सॉरी, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, या फिर सेकेंड जो आपके लिए रहेगा आप उसको थ्री डी के फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ कोई सिस्टम है, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया एक्स वाई जेड कि वो एक्स जेड प्लेन के अंदर है और इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट एम वन एम टू आगे डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी डायग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप बना सकते हो, तो पेपर में आपको कोई डाउट नहीं, जो मार्क्स है उसे कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मार्क्स के पीछे भागते हैं सब लोग, नॉलेज के पीछे कोई नहीं भागता, ठीक है। तो आपको नॉलेज गेन करनी, नॉलेज होगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग जो आज का टॉपिक हम कर रहे हैं। तो ओके स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की क्या होगी जिसका मास m1 है, ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। हमें लिखना हो सपोज ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स Having masses, only mathematical लिखने से भी आपको मास नहीं मिलेंगे, चीजें लिखनी होंगी, नोट कर लेना। Having masses m1, m2, m3 up to mn and r1, r2, r3 up to rn be the perpendicular distance of the particles from the एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली, ओके रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है ना, ध्यान रहे इस चीज का। ओके हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने किया है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, बताओ शाबाश, हाफ एम वन वी वन स्क्वेयर, इज इट क्लियर। और वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्लियर। फर्स्ट के लिए क्या होगा, हाफ एम वन वी वन के लिए आर वन ओमेगा स्क्वेयर है तो इसका भी स्क्वेयर होगा। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल हाफ एम टू वी टू स्क्वेयर, हाफ इंटू एम टू वी टू की जगह आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, क्लियर। ओमेगा एक ही है, ओमेगा ओमेगा टू कुछ नहीं है। सिमिलर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एनएफ पार्टिकल के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा, हाफ एम एन वी एन स्क्वेयर, हाफ एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर थ्री। ओके अब टोटल काइनेटिक एनर्जी नेट निकालते हैं, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो आइए ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सभी काइनेटिक एनर्जी ऐड होंगी, हाफ
एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अप टू हाफ एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। ध्यान से देखें यहाँ ओमेगा स्क्वेयर कॉमन है सभी में और 1/2 कॉमन है, हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, एम वन आर वन स्क्वेयर एम टू आर टू स्क्वेयर अप टू एम एन आर एन स्क्वेयर। तो ये है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। यही होता था काइनेटिक एनर्जी, जो एम जो काम करेगा लीनियर मोशन में ट्रांसलेशन में वही काम आई करेगा रोटेशन में, जो काम वी करेगा लीनियर के अंदर वही काम कौन करेगा ओमेगा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच करें तभी आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। ये था काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल फॉर्म। क्लियर, अब हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी, तो अच्छे से इनको देखना, कॉपी पेन अगर आप नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हैं इन सभी टर्म्स को, और जिस टॉपिक की वीडियो आप पहले चाहते हो तो उसके बारे में भी एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि उसकी ये वीडियो मतलब कि इन द सीक्वेंस हम अपलोड कर सकें, क्योंकि एक बार सेकंड ईयर का जो ये बुक का पार्ट नंबर 1 चला हुआ है इसको हम कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट पार्ट नंबर 2, इस टाइप से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं थ्योरम्स ऑन पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी स्टेटमेंट है, किस टाइप से इसको प्रूव करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लेन लेमिना हमारे पास गिवन है इस टाइप से, और यहाँ सपोज किया गया उस बॉडी का मास जो है ऑल मास ऑफ द बॉडी एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ही बोल सकते हैं आप इसको। ये कोई एक्सिस है ए बी, यहाँ ये कोई एक्सिस है दैट इज सी डी, इसको एक्सिस का नेम हम दे रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सी डी। यहाँ कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसी टाइप से m1, m2, m3 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो उन सभी के लिए हमने एक ही पॉइंट m लिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज r, और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, इसको h या d कोई आप एक नेम दे सकते हो, मैंने इसको d नेम यहाँ पर दे दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, वो डेफिनेशन कहाँ से बनेगी, इसके रिजल्ट जो होता है उसी से बनती है। ठीक है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग बनती है, किस टाइप से मैं बता देता हूँ। जो आई सी डी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज इक्वल टू आई ए बी प्लस मास ऑफ द सिस्टम इन टू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी बिटवीन दीज टू एक्सिस के स्क्वेयर के इक्वल। और वहां से डेफिनेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, according to parallel axis theorem the moment of inertia about any axis say cd जो axis हमने ये ली है is equal to the sum of moment of inertia about the center of mass and the product of mass and square of perpendicular distance between these two parallel axes. इसके according आप definition बनाओगे, the moment of inertia about any axis is equal to the moment of inertia about the axis that is passing through the center of mass plus the product of mass and the square of perpendicular distance between these two axes. आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। ये कोई लेमिना हमने सपोज किया हुआ है, प्लेनर लेमिना, तो जो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, अगर बात करें तो आई ए बी क्या आएगा, मास इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वेयर। अब अगर बात करें सी डी के लिए,
अब मास तो यही है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर ये है, डी ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम आर प्लस डी का स्क्वेयर। ओपन करते हैं स्क्वेयर को, आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस टू आर डी, ठीक है। आई, अब आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर प्लस एम डी स्क्वेयर प्लस टू एम आर डी, एम इन टू आर स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, आई ए बी प्लस एम डी स्क्वेयर प्लस टू एम आर डी, इसको हम जीरो, ठीक है, जीरो डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, ये मत समझ रहा कि साम दाम दंड भेद कुछ भी अप्लाई करेंगे हमें आंसर निकालने से मतलब है इसलिए जीरो कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सभी पार्टिकल्स हैं इनका जो वेट आएगा जी से मल्टीप्लाई जी से डिवाइड करते एम जी इन टू में जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर जो वेट होता है दैट इज बैलेंस्ड इन दिस केस, वेट इज बैलेंस्ड इन दिस केस। सो जो प्रोडक्ट है वेट का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मस्ट बी जीरो, उस केस में जीरो होगा, अदरवाइज को जीरो मत करना आप कभी भी, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट आपको ये लाइन लिखने के बाद जो बुक में मेंशन की गई है आप देख सकते हो, ये जो रिजल्ट आएगा इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। अगर आपके पास बुक भी नहीं है, पढ़ रहे हो आप, बुक नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे, टाइप कर देंगे, तो जो काम डेली हो रहा है मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका फोटो क्लिक करके बुक से या जो भी स्टडी मटेरियल जहाँ से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये एक छोटी सी हेल्प होगी मेरी तरफ से जिससे आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सकें। ओके, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री कोर्स है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है इंटेंशन किसी बच्चे से फीस वगैरह ली जाए, ओनली नॉलेज शेयर की जा रही है आप लोगों को। आपको अच्छे लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके, देखिए शाबाश, इसके अंदर हमने तीन एक्सिस ली हुई है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई जेड, कोई एक मान लेना वाई, दैट इज जेड। अब प्लेनर लेमिना क्या है, इस एक्स जेड प्लेन के अंदर है, ठीक है, दिस बी द एक्स वाई प्लेन, प्लेनर इसके अंदर है, दैट इज द जेड एक्सिस प्लेन लेमिना के बिल्कुल परपेंडिकुलर। एक टाइप से अगर मैं बात करूं, यहां मैं कुछ ड्रॉ करूं तो बोर्ड पे प्लेन पे है और ये जो एक्सिस होगी ये जेड एक्सिस होगी। समझने के लिए आप इसको इस टाइप से समझ सकते हो, या फिर थ्री एक्सिस टाइप से मैं करूं और यहां पर कोई प्लेनर लेमिना है तो इसके परपेंडिकुलर सिंपली हो गया। ओके, सिस्टम का मास वही m है, इसी टाइप से हम लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल है इस लेमिना के अंदर m1 m2 m3 m4 f2 mm, ठीक है, इस टाइप से आपने प्लेनर लेमिना को लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें अबाउट x एक्सिस, हम बात करें प्लेन लेमिना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। It states that the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane lamina is equal to the sum of moment of inertia of the these two axes in which plane lamina lies. Clear? इसका simple सा meaning यही है कि जो moment of inertia होगा perpendicular axis z जो है that is equal to moment of inertia sum of moment of inertia of those axes in which plane lamina lies. XY plane के अंदर lie कर रहा है तो XY हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई एक्स क्या होगा, आइए जानते हैं, एम वन एक्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसको, आई एक्स, एक्स एक्स के परपेंडिकुलर नहीं होता, ध्यान रखना ये गलती बच्चे करते हैं। आई इस टाइप से लिखोगे आप इसको, ठीक है, समेशन की फॉर्म में लिख देता हूं एम आई वाई आई स्क्वायर आई वन टू एन, ये आई एक्स होगा। सिमिलर वे में आई वाई जो होगा दैट इज एम आई एक्स आई स्क्वेयर, बस इन चीजों का अगर ध्यान रहेगा तो आप कंप्लीट कर जाओगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वन टू, ठीक है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर। अब एक्स आई और वाई आई है क्या, ठीक है, समझते हैं, ये है एक्स आई, ठीक है, ये है वाई आई, वाई के ऊपर एक्सिस, अब ये दोनों प्लेन के अंदर है, यहां अगर को मैं थर्ड एक्सिस लेता हूं दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, मैंने आर इसको ज़ूम किया, ये एक्स आई है, ये वाई आई है, तो ये भी क्या होगा, वाई आई। अब अगर ट्राइंगल्स लोग एक्ट्रा एडिशन करेंगे तो आर का जो स्केयर होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इस फॉर्म में होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम आई आर आई स्केयर। अब देखें एम आई तो पूरे सिस्टम का मास था, आर आई जो है जेड के परपेंडिकुलर है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, आई जेड।
इस वे में आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। तो ये था इसका प्रूफ, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप पर्सिंग।